दोस्तों क्रिकेट में जो बैट यूज किया जाता है वो बैट किस चीज से बनाया जाता है? या दोस्तों ये हम सभी जानते हैं, वुड से बनाया जाता है, या फिर हम स्पेसिफिक बात करें तो विलो के वुड से, यानी विलो पेड़ की जो वुड होता है उस वुड से बनाया जाता है ये बैट। क्वालिटी वाला जो विलो होता है वो सिर्फ यूके में ही पाया जाता है, और एक होता है कश्मीरी विलो जो कि इंडिया में पाया जाता है। लेकिन ये जो बैट होता है ये बैट का कीमत बहुत ज्यादा होता है, और इस बैट में कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इससे मुकाबला करने के लिए एक नया तरीके का बैट लाया गया है, और वो बैट क्या है? बम्बू बैट। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम और आप देख सकते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये बैट से आईपीएल या फिर वर्ल्ड कप खेलते हुए। डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ स्पोर्ट टाइम हिंदी में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों ये जो बम्बू बैट है, ये बम्बू बैट बनाया गया है या फिर ढूंढ के निकाला गया है या फिर आविष्कार किया गया है दर्शिल शाह और बेन टिंकर डेविस से, और ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फैसिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग में रिसर्च करके ये बम्बू क्रिकेट बैट तैयार किए हैं। जी हाँ, और इन्होंने इस बैट के बारे में डिटेल में बताया है, इसका क्या एडवांटेजेस है, इससे क्या पॉसिबिलिटीज है, रूल बुक में क्या लिखा गया है, ये यूज करने का फायदा क्या है, वगैरह वगैरह। दोस्तों पहले हम बता देते हैं ये बैट बनता कैसा है और विलो के मुकाबले ये अच्छा क्यों है। दोस्तों बम्बू बैट बम्बू पेड़ से ही बनता है, और विलो बैट जो बनता है विलो को पेड़ से, वो विलो पेड़ काटने के बाद 20-25% हिस्सा वेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ वाटर वाला हिस्सा आता है, यानी वाटर वाला वुड्स आता है, वो सब काट के फेंकना होता है, मतलब वहाँ पर वेस्टेज बहुत होता है। वैसे ही विलो पेड़ का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये वेस्टेज, और बम्बू पेड़ में ऐसा कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत कम, और बम्बू आसानी से मिल भी जाता है। इंडिया, चाइना और भी बहुत सारे देशों में बम्बू इजीली अवेलेबल है, आप बना सकते हैं वे। तो ये बम्बू बैट का एडवांटेजेस क्या है? दोस्तों ये विलो बैट से क्वालिटी में अच्छा होता है, ये हार्ड होता है, मैन्युफैक्चरिंग में इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, और इसमें जो स्वीट स्पॉट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। स्वीट स्पॉट मतलब जहाँ पर बॉल लगने के बाद बॉल बहुत अच्छा गति पकड़ता है, मतलब बैट के बीचों बीच वाला वो हिस्सा जहाँ पर लगने के बाद अच्छी फोर्स अगर मिलता है बैट्समैन से तो वो छक्का या फिर चौके के लिए श्योर जाता है। और यहाँ पर एज में लगने के बाद जो स्लिप में कैच होता है विलो बैट में, वह बम्बू बैट में बहुत कम होगा। जी हाँ दोस्तों, और विलो वाला जो क्रिकेट बैट है वो यूके में बनवाने के बाद ट्रांसपोर्ट करके बहुत सारा देशों में ले जाना ये बहुत खर्चे भरी बात है, और इसके लिए विलो क्रिकेट बैट का रेट भी बहुत हाई होता है। तो एमएचएल लेवल या फिर मीडिएटर लेवल में जो सब क्रिकेट खेलते या फिर प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के पास कभी कभी इतना पैसा नहीं रहता है कि इंग्लिश विलो बैट से वे लोग खेले। तो बम्बू बैट प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कटौती लाएगा, जैसे कि ज्यादा देशों में जब ये बैट प्रोडक्शन किया जाने लगेगा तो सभी देशों से ट्रांसपोर्टेशन का जो बहुत खर्चा आता है ये बहुत घट जाएगा। तो दोस्तों इस बैट में डिसएडवांटेज क्या है? दोस्तों इस बैट का जो मेन डिसएडवांटेज है वो है इसका वेट। जी हाँ दोस्तों, 2016 में पहला जो प्रोटोटाइप मॉडल बनाया गया था उस बैट का वेट तब नॉर्मल विलो बैट से 40% एक्स्ट्रा था, यानी 1 kg अगर नॉर्मल बैट पकड़ लीजिए तो उसका वजन था 1400 ग्राम। लेकिन ये बहुत पहले की बात है 2016, तो इसमें वापस से काम किया जा रहा है और इसको घटाया जा रहा है, इसको थिन बनाया जा रहा है, और भी हल्का बम्बू जो होता है वो यूज किया जा रहा है। तो इसमें जो वेट है वो एग्जैक्टली वो विलो बैट का वेट में ही आ जाएगा। तो दोस्तों एमसीसी क्या कहता है? एमसीसी मतलब क्रिकेट में जो लॉ होता है उस लॉ का कॉपीराइट ओनर। तो वे लोग बताते हैं कि बम्बू बैट फिलहाल के लिए बैन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ 5.3.2 वहाँ पर क्लियरली मेंशनड है क्रिकेट बैट सिर्फ वुड से ही बनाया जाएगा। लेकिन बम्बू तो वुड नहीं है, वह तो है एक ग्रास, मतलब घास है, आप जानते ही है सब लोग। तो इसके लिए फिलहाल ये बैंड बैट है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक इलीगल बैट है। लेकिन जो इन्वेंटर्स हैं उनके ओर से एमसीसी को रिक्वेस्ट किया गया है, कॉलेज की ओर से रिक्वेस्ट किया गया है, तो वे लोग इनमें मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत जारी है, तो लॉ में तब्दीली आ सकता है। और बैट्स के फाउंडर का ये कहना है कि 50 साल पहले डकवर्थ लुईस मेथड हुआ नहीं करता था, लेकिन अभी वे एग्जिस्टिंग है और उसे भी एमसीसी द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें कई सारा एडवांटेज है और कुछ एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज को शॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बैट एमएचएल लेवल से प्रो लेवल के बैट्समैन सभी लोग एक तरह के बैट से ही खेल सकते हैं।
लेकिन विलो बैट में ऐसा नहीं होता है, सबका सेगमेंटेशन अलग किया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये बैट अगर रियल लाइफ या फिर प्रैक्टिकल में जब अलाउ किया जाएगा तब क्रिकेट का जो रूप है वो क्या ये बदल कर रख देगा या फिर इसे अलाउ ही नहीं किया जाएगा, इलीगली रखा जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।